हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक कंपनी है सऊदी अरबिया की, जो हर साल शटडाउन में बुलाती है वर्कर को, तो इसका मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कंपनी कैसा है, मैनेजमेंट सबसे पहले तो कैसा है, कंपनी कैंप कैसा देता है रहने के लिए। तो अभी हम लोग, ये एक कैंप है जहाँ पर गैस अरबिया कंपनी अपने वर्कर को रखता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो, अभी हम लोग कैंप में पहुंच गए हैं। और ये गैस अरबियन कंपनी में जो शटडाउन में आने वाले लोग हैं, हर साल इसका वैकेंसी आता है, उसी के लिए है ये वीडियो, और सिर्फ शटडाउन के लिए ये लागू हो रहा है, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से कैंप रहता है, इस तरीके से आपका ये टॉयलेट बाथरूम का सिस्टम है इसमें, ऐसे साथ में टॉयलेट बाथरूम रहता है। तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि इस कंपनी में क्या सिस्टम है शटडाउन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो, आपको रूम रहेगा, एक रूम में 6 आदमी रहेगा, और इस तरीके से छोटा सा रूम रहता है, 6 आदमी रहता है इसमें, डबल बेड वाला सिस्टम है, लॉकर दिया जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा ये सिस्टम है। आपके रूम के बाहर निकलते ही नाला, टॉयलेट बाथरूम का पानी, ये कभी कभी रात में इतना स्मेल करता है कि आपको नींद नहीं आएगा, आपका रूम तक इतना स्मेल आता है, देख सकते हो हर तरफ ये पूरा टॉयलेट बाथरूम का पानी बह रहा है। और मैनेजमेंट का भी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या सिस्टम है, और ख़ुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इसमें शेयर करूँगा। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की गैस अरबियन कंपनी में। तो हम लोगों को ये लोग 6 महीना बोल के सितंबर महीना में लाए थे कि 6 महीना काम है, ठीक है, गैस अरबियन कंपनी में। इंटरव्यू के दौरान बताया गया था कि 6 महीने का काम है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, अक्टूबर में भी काम किया, नवंबर में भी काम किया, और दिसंबर में बिना नोटिस, मतलब बिना कुछ रीज़न, हम लोगों को रिटर्न टिकट दे दिया गया। तो कोई मुश्किल नहीं है, रिटर्न टिकट दिया उसका कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें सैलरी के लिए हम लोगों को मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है सैलरी का। जिस दिन टिकट है उस दिन सैलरी लेने के लिए बोलता है कि दमाम जाना पड़ेगा। दमाम गए, वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं है, वर्कर के साथ बिल्कुल ही ख़राब बिहेव करते हैं ये लोग। ऑफिस में जाते हैं तो भी कोई सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है, बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है। इस कंपनी में अगर आप शटडाउन में आओगे तो आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है, 6 महीना बोल के आपको 1 महीने में भी भेज सकता है, 2 महीने में भी भेज सकता है। हाँ, अगर आपका ऑफिस में जान पहचान है तो आपको बराबर सुला के 6 महीना भेजेगा, ठीक है, 6 महीने के बाद। अभी हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिया नो प्रॉब्लम, हमारे लिए तो बहुत सारा रास्ते है। लेकिन आप लोग जब इंटरव्यू लेते हो, बोलते हो 6 महीने का काम है, उसके बाद आप बिना रीज़न, और हम लोग जो 2 महीना 20 दिन रुके, 30 दिन, उसमें 2 महीना हम लोग काम किए, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो 1 भी महीना काम नहीं किए, उसका कोई नाम नहीं है, और जो काम किया हुआ बंदा है उसको तुम लोग रिटर्न भेज रहे हो। ये क्या पॉलिसी है तुम्हारी, मतलब तुम्हारा जो जान पहचान वाला है उसको तुम लोग रख रहे हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है, और इंडियन मैनेजमेंट है खास करके, वहाँ पे वो लोग बिल्कुल ही सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है। कोई भी वर्कर आपका अपना कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम लेके जाता है ऑफिस में, कोई सुनने वाला नहीं है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखना पड़ेगा हाँ किधर ड्यूटी है क्या है, मतलब आपको कोई कुछ बताने वाला है नहीं, कौन बंदा किधर काम कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। अब जैसे हम लोगों को जब रिटर्न टिकट आया, तो मैं तो नहीं गया, मेरे कुछ और दोस्त लोग गए, तो उनको बता रहा है कि तुम्हारा, तुम लोग रूम पे बैठे हुए हो और इंटरव्यू पास नहीं कर रहे हो। हालांकि हम लोग 2 महीना काम किए हुए हैं और रिलीज़ होके 2 से 3 दिन हुए थे और रिटर्न टिकट आया था, ठीक है। तो कंपनी वालों को पता ही नहीं है कौन बंदा काम कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इस कंपनी में अगर आप शटडाउन में आ रहे हो तो सोच समझ के जाइएगा, वरना आपका टाइम पूरा वेस्ट होगा इसमें। और ख़ास करके मैं देखा हूँ, इसमें हमारे से पहले भी कुछ लोगों को भेजा गया, जिसमें मिल राइट टेक्नीशियन भी थे, जो अच्छा अच्छा सीनियर टेक्नीशियन थे, उनको भी बिना रीज़न वापस कर दिया गया। तो उन लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट हो गया, उनका जो प्लानिंग था वो भी वेस्ट हो गया,
और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसमें कि मेरे को जिस दिन फ्लाइट था उस दिन सैलरी के लिए मेरे को लेके गया 2 घंटा दूर दमाम। वहाँ पे भी जाके 1 घंटे तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमको ऑफिस के बाहर खड़ा किया गया, उसके बाद सैलरी दिया, वो भी 10 दिन का सैलरी हमको नहीं दिया, 10 दिन का सैलरी हमारा काट लिया है 800-900 रियाल। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनका सैलरी ये कंपनी सही से नहीं दिया है। तो इस कंपनी में अगर आप शटडाउन में आ रहे हो तो बिल्कुल ना आइए, वरना आपका टाइम बर्बाद होगा। खास करके हाँ, अगर आप 2-3 महीना के लिए आना चाहते हो तो फिर अपना मर्जी है आपका। बाकी आप ये सोचो कि 6 महीना रोकेगा तो फिर आपका जान पहचान होना चाहिए ऑफिस में। और ये जो सैलरी कटिंग किया है 800-900 रियाल, ये वीडियो अगर तू देख रहा है ऑफिस वाले, तो समझ जाना ये तूने जो भी किया है वर्कर के साथ ये सही नहीं किया है। ठीक है, तो बेटा जो भी ऑफिस वाला तू अगर देख रहा है, टकले दोनों टकले, एक तो वीक लगा के रखता है टकला, और दूसरा भी एक टकला है जो इंटरव्यू लेने आता है इंडिया में। तो दोनों टकलों सुधर जाओ, ऐसे वर्कर के साथ ना खेलो। अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो फिर ना बुलाओ 6 महीना बोल के। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान ही बोल दो कि 2 महीना 3 महीना में भेज देंगे। और भी वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बारे में। अभी तक सबसे पहले मैनेजमेंट बिल्कुल 0-0 है, खास करके इंडियन मैनेजमेंट जो इधर जुबेल में है, और ये वीडियो खाली जुबेल के लिए ही है। बाकी जगह पे इसका सिस्टम क्या है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खाली मैं जुबेल का सिस्टम बता रहा हूँ, वो भी शटडाउन के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा सिर्फ शटडाउन के लिए है, गैस अरबियन कंपनी का शटडाउन के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये खाली और खाली जुबेल में जो गैस अरबिया कंपनी शटडाउन में लाती है मैन पावर को, इसके लिए ये पूरा सिस्टम है। तो खास करके इसमें सैलरी का कोई टाइमिंग नहीं है, और आप जब रिटर्न जाओगे तो आपको सैलरी काट लिया जाएगा 8-9-10 दिन का। मेरा खुद 9 दिन का सैलरी इसमें कटा है। ओके, और इसमें मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है, वर्कर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ऑफिस में जाओगे तो आपको उधर रिसेप्शन में बैठने भी नहीं देता है, बोलता है बाहर जाओ बाहर जाओ। तो वर्कर के साथ पहले तो रिस्पेक्ट करो, ठीक है, बाद में इधर इंटरव्यू लेने के लिए जब आओ तो सच बोल दो कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने का काम है। वर्कर के साथ खिलवाड़ ना करो, वर्कर का टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो सभी को शेयर करो, और हर साल इसका इंटरव्यू आता है तो यह वीडियो मेरा आपके लिए है, जो फैक्ट है मैं आपको बता दिया हूँ, जाना ना जाना आपकी मर्जी। और इसमें खाना तो कंपनी देता ही है, गैस अरबियन कंपनी। तो बाकी मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप 6 महीने का सोच के जाओगे, और अगर आप सीनियर टेक्नीशियन हो, आप गल्फ रिटर्न हो, तो इस कंपनी में बिल्कुल ना जाए। बहुत सारी कंपनी का इंटरव्यू आता है, उसमें जाइए, वहाँ पे अपना टाइम दीजिए, 6 महीना कमाइए। इस कंपनी में आप 6 महीना समझ के जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सऊदी में जाने के लिए आपको गांव का मेडिकल भी लगता है, VFS सिस्टम आपको फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ आपको इंटरव्यू के लिए इधर उधर जाना है, फिर आपको 2 महीना 1 महीना में भेज देगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कुछ इनकम भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस कंपनी में शटडाउन में बिल्कुल ना जाए। और आपके साथ जो ये लोग किया है, और ये वीडियो जो देख रहा है मेरा, जो लोग को वापस भेज दिया है वो लोग भी ये वीडियो मेरा देख रहा है, पता है मेरे को। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम इस कंपनी में बिल्कुल ना जाइए। बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, उसमें अप्लाई कीजिए, आपको इससे भी ज़्यादा सैलरी मिलेगा, और अपना भी एक रिस्पेक्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि इस बार भेज दिया तो दूसरी बार शटडाउन आया चले गए, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपना वैल्यू उनको बताइए कि हम लोग भी एक वर्कर है, हम लोग भी ऐसे टेक्नीशियन है। ठीक है, तो बिल्कुल मेरा ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। जो लोगों को वापस कर दिया गया है वो लोग दूसरी बार इस कंपनी में अगर गए तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है अपने आप का। तो एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखिए, इस कंपनी में बिल्कुल ना जाइए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जिसका जो मन है करता है, ये मेरा एक सजेशन था। तो बिल्कुल भी इस कंपनी में ना जाइए। ठीक है, थैंक यू। और भी सऊदी अरबिया गल्फ के कंपनी के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।